यह लाइफ चेंजिंग वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको MLM के साथ फंडामेंटल के बारे में बताऊंगा। इसे जानकर आप कामयाबी के सफर में जल्द ही शिखर पर होंगे। कहा जाता है कि अगर किसी बिल्डिंग को ऊंचा बनाना है तो इसकी नींव को मजबूत होना चाहिए। उसी तरह आज MLM के साथ फंडामेंटल के बारे में चर्चा करेंगे जो कामयाबी के शिखर पर जल्द ले जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है द पावर ऑफ चूज, यानी चुनने की शक्ति। कामयाब होना एक विकल्प है जिसे आप बनाते हैं। हम सभी को यह महसूस करने की आवश्यकता है कि चुनने की शक्ति हमारे पास मौजूद सबसे महान उपहारों में से एक है और हमें इस शक्ति का हर स्थिति में पूरी तरह उपयोग करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें चुनने की शक्ति दिया है। हम जो चाहें वह चुन सकते हैं। आप क्या चुनेंगे? आलसी होना या महत्वाकांक्षी होना, बहाना बनाना या काम करना, सपने देखना या भूत के बारे में सोच, अमीर बनना या जहां है वहीं रहना, पॉजिटिव होकर काम करना या निगेटिव होकर काम छोड़ देना, आपके पास चुनने का विकल्प है। जॉन डी लेमे ने कहा था, कामयाब होना एक विकल्प है जिसे आप बनाते हैं। बड़े पैमाने पर सफलता आपके सामने और आपकी पहुंच के भीतर है, लेकिन क्या आप इसे चुनेंगे? दूसरा स्टेप है फाइंड योर व्हाई एंड फ्लाई, अपना क्यों खोजे और उड़े। जिस तरह बगैर एड्रेस के चिट्ठी कहीं नहीं पहुंचती, उसी तरह जब तक आपके ज़िंदगी का हवाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। जिस तरह एक विद्यार्थी जानता है कि मुझे सुबह क्यों जगना है, मुझे क्यों पढ़ना है, उसी तरह आपका हवाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, आपका नीड क्या है, आपका ड्रीम क्या है, और आपको जो नीड और ड्रीम है उसे पूरा करने के लिए सबसे पहले आप उसे लिखिए। लिख ले कि आप 5 साल में कहां पहुंचना चाहते हैं। तीसरा कदम है से यस टू रिजेक्शन। रिजेक्शन को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें। 99% लोग रिजेक्शन की वजह से काम छोड़ देते हैं और असफल हो जाते हैं। रिजेक्शन सिर्फ MLM में ही नहीं, दुनिया के हर काम में मिलता है जो नया होता है। अगर आपको इमोशनल हैंडल करना नहीं आता, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते हैं और आपका हवाई क्लियर नहीं है तो रिजेक्शन आप पर हावी हो जाएगा। दुनिया में हर सफल आदमी रिजेक्शन से गुजरता है, परंतु उसको रिजेक्शन झेलने की शक्ति होती है और शक्ति प्रदान करता है उसका हवाई। थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000वीं बार में बल्ब बनाने में सफलता पाई। वे रिजेक्शन से परेशान नहीं हुए, बल्कि उससे उन्होंने सीखा और बल्ब बनाने में कामयाबी हासिल की। आप भी रिजेक्शन को सुनने के लिए तैयार रहें। चौथे कदम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा कदम है फेलियर मींस डेट यू आर ऑलमोस्ट देयर। हम सभी जानते हैं कि हम अपने MLM लक्ष्यों और सपनों की उपलब्धि की दिशा में आगे बढ़ते हैं और बार बार असफल होते हैं और अचानक हम अपने अंतिम परिणाम को प्राप्त करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर सफल आदमी कभी न कभी असफल जरूर था। अब्राहम लिंकन 52 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने। कर्नल सैंडर्स ने उस उम्र में KFC की स्थापना की जिस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं। अंततः लाइफ में सफल होने के लिए असफल होने की आवश्यकता है। सफलता की भाषा में विफलता का मतलब है कि आप लगभग वहाँ हैं, इसलिए हार मत मानिए, निरंतर कोशिश करिए, सफलता आपके कदम चुमेगी। सफलता के नए कदम की तरह बढ़ते हैं। हमारा 5वां कदम है आदत, हैबिट। आप खुद से एक सवाल करें, क्या मेरी आदतें आज मुझे जीवन में अपनी सफलता प्राप्त करने में मदद करने वाली है? यह एक लाइफ एम्पावरिंग क्वेश्चन है, इसलिए इसे पूछते समय स्वयं के साथ ईमानदार होना चाहिए। आप मुझे लाभ के लिए दौड़ा सकते हैं या मुझे बर्बाद करने के लिए चला सकते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ दृढ़ रहो, मैं तुम्हें सफल बना दूंगा। मेरे साथ सहज रहो, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। मैं कौन हूँ? मैं एक आदत हूँ। आपका संपूर्ण भविष्य आपकी आदतों पर निर्भर करता है। वाई के अकॉर्डिंग अपनी आदतों को ढाल लें, यह आदत आपको कामयाबी के शिखर पर पहुंचा देगी। नेक्स्ट स्टेप है द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। किसी बात को स्टोरी में कहना, कहानी के माध्यम से रिप्रेजेंट करना, ये सफलता का एक मुख्य कदम है। आपके पास नए प्रोस्पेक्ट को कन्वेंस करने के लिए 45 मिनट का समय है। अगर इस दौरान आप अपने प्रेजेंटेशन को कहानी के माध्यम से बताएंगे तो आपका प्रोस्पेक्ट इसे ध्यान से सुनेंगे और आपकी सक्सेस की संभावना बढ़ जाएगी। अपने प्रेजेंटेशन के दौरान लोगों को ध्यान अपनी ओर वापस लाने के लिए एक कहानी बताएं।
हर व्यक्ति सफल आदमी की कहानी सुनना पसंद करता है और मोस्टली लोग एमएलएम को ज्वाइन सफल आदमी की कहानी सुनकर ही करते हैं जो उनकी तरह एक गरीब फैमिली से उठकर सफल बनता है। प्रेजेंटेशन देते समय सही मानसिकता के साथ कहानी कहें जिससे आप जल्द ही अपने सपने को प्राप्त करेंगे। हमारा नेक्स्ट कदम है द पावर ऑफ ए टू जेड प्रेजेंटेशन। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि क्या कारण है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में असफल हो जाते हैं। मैं 110% विश्वास के साथ कहता हूं कि यह इसलिए है क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने प्रेजेंटेशन को अनुकूलित करते हैं और मानते हैं कि उनकी संभावना रोमांचक होगी। यह मानसिकता निश्चित रूप से आपको असफलता के लिए स्थापित करेगी। सफलता की कुंजी दोहराव की शक्ति है। एक ही परिस्थिति को बार बार दिखाना, एक ही प्रेजेंटेशन को बताने का मनोवैज्ञानिक कारण है। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस और दृढ़ विश्वास से 100% पूर्ण होंगे। दूसरा कारण है आपको इस बिजनेस पर भरोसा बढ़ जाता है और आपका बिजनेस तेजी से ग्रोथ करेगा। अपने प्रेजेंटेशन को हर किसी के लिए वही रखें जैसे कंपनी का प्रेजेंटेशन देने का तरीका है। लोगों के अनुसार बदले नहीं। दोहराव की शक्ति सफलता का एक मुख्य कदम होता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सफलता में बहुत मदद मिलेगी। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुँचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।